हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देखने वाले बायोटेक चैनल को स्वागत है आपका इस अमेजिंग टेक वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 6.1 प्लस के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दैट बिंग सेट, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रूमर्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि नोकिया के 6.1 प्लस को ब्लूटूथ की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, और रूमर्स के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि मई में लॉन्च हुए नोकिया के X6 जो कि एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन था, उसी का एक ग्लोबल वेरिएंट होगा नोकिया 6.1 प्लस। नोकिया 6.1 प्लस के कोड नेम भी लीक होकर आया है, जो कि रूमर्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि या तो इसका कोड नेम हो सकता है TA1083 या फिर TA1116। तो इस दोनों कोड नेम से जाने जाएंगे नोकिया के 6.1 प्लस जो कि ग्लोबल वेरियंट होगा। बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज़ की, तो इसमें आपको मिलने वाला है एक 5.8 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले जो कि एक नॉच्ड डिस्प्ले होने वाली है, और अगर पिक्सल काउंट की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 1080x2280 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। साथ ही साथ आपको मिलेगा एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि होगा स्नैपड्रैगन 636। और अगर बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज वेरियंट की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 4 GB की रैम एंड 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं इसके कैमरास की, तो इसमें आपको मिलने वाला है एक डुअल रियर कैमरा कॉम्बिनेशन जो कि होगा 16+5 MP का, और अगर फ्रंट की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है 16 MP का फ्रंट कैमरा। और अगर लास्टली बात करते हैं इसके बैटरी की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 3060 mAh की बैटरी। इसमें कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी रूमर्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इस फ़ोन की बैटरी 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकती है। और अगर बात करते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर्स की, तो इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी लीक होकर आए हैं जो कि है सिंगल कोर स्कोर 1332, और अगर बात करते हैं इसके मल्टी कोर स्कोर की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 4903 का मल्टी कोर स्कोर जो कि एक काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस ऑन बोर्ड देखने को मिल जाता है। और अगर बात करते हैं इसके क्विक कंपैरिजन की, तो ये एक Redmi Note 5 Pro किलर हो सकता है आप लोगों के लिए। सो गाइज, यही रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग टेक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।